रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। खुले में संडास के अलावा ये हैं भारतीयों की विशेषताएं। भारत के लोग अलग ही किस्म के होते हैं। भारत के लोगों के अंदर अजीब अजीब सी आदतें पाई जाती हैं, जिन्हें जानकार कभी कभी हैरानी होती है तो कभी कभी हंसी आती है। ऐसे में आज हम भारत के लोगों की वो 5 आदतें बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। ये वो आदतें हैं जो भारतीय लोगों के DNA का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए बताते हैं। गाली बकना भारत में हो और गाली न दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क पर, फोन पर, गाड़ी में, गाड़ी से बाहर, घर में, गली में, दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई को गाली देते ही देते हैं। मतलब यहाँ के लोगों के DNA में शामिल है गाली देना। शौच के लिए बाहर, भारत में अक्सर ही घरों में टॉयलेट बने होने के बाद भी लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। लोगों का कहना है कि ठंडी हवा में संडास का मजा ही कुछ और होता है। सब्जी लेते वक्त भारत के लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है सब्जी लेते वक्त धनिया और मिर्ची फ्री में लेने का। भारत के लोग जब भी सब्जी खरीदते हैं उन्हें धनिया, नींबू या फिर मिर्ची में से एक ना एक चीज मुफ्त चाहिए ही होती है। इसे कहा जा सकता है राम राम जपना पराया माल अपना भाव करना। भारतीय हो और भाव ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत के जितने भी लोग हैं सभी सब्जी से लेकर कपड़ों तक भाव करते हैं और भाव करने में कोई इनसे आगे नहीं निकल सकता। पुराने कपड़े का इस्तेमाल भारत के लोग होली पर पहने गए कपड़े और पुराने कपड़े का इस्तेमाल अपनी गाड़ी का पोछा बनाने, घर का पोछा बनाने, TV को साफ करने में आसानी से करना जानते हैं।